बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी इस टॉय कार का। बेसिकली ये जो टॉय कार है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि बीच में काफ़ी ज़्यादा पिस्टन्स लगी हुई हैं, और इस तरह ये आप जिनको उर्दू में गरारियाँ कह सकते हैं आप, गियर्स लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पिंक, येलो, ब्लू, और जब ये व्हील्स चलते हैं तो ये जितने भी आप गियर्स हैं ये सब आप देख सकते हैं कि मूव करेंगे। और जो इसके बेसिकली यहाँ पर तीन सेटिंग्स हैं, यहाँ पर बीच में जब आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लाइट्स चलेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए, एक मिनट, ये लाइट्स चल गई। बस सिर्फ लाइट्स चलेंगी और कुछ भी नहीं चलेगा, ना ये कॉग व्हील्स नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लाइट्स चलेंगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लाइट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि अंधेरे में तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन जब हम इसकी थर्ड स्पीड करते हैं, ये देखें, ये वाली, तो ये चलने लग जाएगी, ठीक है। ये विद म्यूजिक चलने लग जाएगी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये इसको घुमाती है, ठीक है। और इसमें सेंसर है कि अगर आपने हाथ आगे रखा या कुछ भी किया तो ये रुक जाएगी, ठीक है, और ये चलेगी नहीं। इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि इसके पिस्टन्स मूव करते हैं। मैं आपको भी चला के दिखाती हूँ, ये देखें, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये देखें, रेड वाले को देखें, और ये हाथ रखा तो ये देखें मूव कर, ये हाथ आ गया, ये देखें, ये अच्छी गाड़ी है बहुत, ठीक है। तो ये इस सारे के इसके फंक्शंस हैं। ये बहुत अच्छी कार है। पहले जब हमने ये ली थी तो बच्चे डरने लग गए थे, और उसकी मेन वजह ये थी कि सेंसरी टॉयज में आता है, जिसमें लाइट्स आती है, म्यूजिक आता है, और थर्ड चीज़ ये है कि ये चलती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपके बच्चे फॉर इंस्टेंस जाते हैं किसी भी टॉय लैंड में, और किसी भी वंडरलैंड में जाते हैं या प्ले लैंड में जाते हैं, वहाँ लाइट्स वगैरह देख के डरने लग जाते हैं। तो पहले आप उनको यहाँ से शुरू करवाएं, उनको इस तरह के टॉयज़ आप दें, और इसमें क्योंकि आवाज़ भी होगी और लाइट्स वगैरह भी होंगी, थोड़ा सा अगर वो डरें तो आपने लेकिन उनके सामने खुशी का इजहार करना है। तो आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये देखेंगे कि उनके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या है, उनके बहन भाइयों का रिएक्शन इसको लेके क्या है, तो छोटे बच्चे उसे डरना बिल्कुल बंद कर देंगे। जिन पेरेंट्स को शिकायत होती है कि उनके बच्चे प्लेलैंड जाते हैं तो रोते हैं, और मतलब किसी लाइट्स बैलून्स वगैरह को देख के रोने लग जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को इन सेंसरी टॉयज़ को दें। थोड़े दिनों के लिए वो डरेंगे, लेकिन फिर खुद ही हाथें पकड़ के ऐसे चल रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इसका रिव्यू देना था, और ये बहुत अच्छी कार है। इसकी प्राइस तकरीबन हमें मिली है 340 से लेकर 400 तक में मिल जाएगी। अगर आप शालमी जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको 250 की भी मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और प्राइस भी इसकी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। इसके सेल जो है वो इधर से डलते हैं, यहाँ बस आपको पेज से खोलना पड़ेगा, यानी कि ये पेज इसके लगा तो आपको पेज कस से खोलना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसको चलाएं, ऑन करें। एक बात, अगर आप इसको यूज़ नहीं करें तो प्लीज़ इसके सेल निकाल के रख लीजिएगा, वरना होता है ये कि जब सेल नहीं निकालते तो हमारे सेल जो होते हैं उनमें एक कार्बन सा होता है जो कि लीक हो जाता है जब सेल एक्सपायर हो जाते हैं स्पेशली, तो ये वजह होती है कि जो आपका टॉय है वो ख़राब हो जाता है। जाहिर सी बात है आपके टॉय के अंदर वो चली जाती है। इसलिए आपने जब भी कोई भी टॉय जिसको आप नहीं चलाना सेल वाले, उसके सेल निकाल के अपने बाहर रख लेने हैं, वरना आपका टॉय ख़राब हो जाएगा और सालों साल चलेंगे अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। सो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के रिव्यू के साथ और व्यू के साथ भी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।